लखीमपुर खेरी के दह हत्याकांड के मामले को लेकर आज बाराबंकी जनपद में कई पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और साथ ही साथ ज्ञापन सौंपा। और उसमें आपको बता दें, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ये पूरा मामला बाराबंकी जनपद में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल आप देख रहे हो बाराबंकी क्षेत्र के लिए दिनेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट में। आज किस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? आज जब कल लखीमपुर खीरी में एक रात मोटर से लड़के द्वारा बर्बरता पूर्वक जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिससे मेरे 4 किसान की मृत्यु, उसी के विरोध में आज मेरा प्रदर्शन। और लखीमपुर खीरी में भाजपा मंत्री, जो भाजपा का मंत्री है, उसके पुत्र द्वारा किया गया है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आपका भाई? एक बताया, जब सत्ता के लोग ही गुंडाई करेंगे जी, ठीक है, किसान का हक है अपनी शांतिपूर्वक बात कहने का, आंदोलन करने का, वो कुचल रहे हैं, तो ऐसा तो बवतापूर्वक कार्रवाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मंत्री होता है उसका भी कुछ धर्म होता है। वो 2 दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि हमको 2 मिनट का समय दे दो, मैं किसान को ठीक कर दूंगा। ये गुंडाई, ये नहीं चलेगी। यदि सरकार इस तरह धमकियां करती है, किसान के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है, तो क्या आने वाले 2022 के चुनाव में आप सभी किसान भाई, जो 85% किसान है इस देश में, इस प्रदेश में, क्या सबक सिखाएंगे 2022 को, जो है सबक सिखाएंगे? ये बिल्कुल कराएंगे। एक कहावत चलती है कि जैसे करनी है वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो जैसा आप करेंगे 2022 भोगेंगे, स्वाभाविक है। आपकी संगठन के द्वारा आज क्या प्रोग्राम था? आज हमारा विरोध प्रदर्शन था, ज्ञापन देना था। ज्ञापन दिया जी? ज्ञापन